तो फ्रेंड्स, यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं हम लोग और आज लगाएंगे टेस्ट नंबर 3 को। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के आज के वीडियो में 20 प्रश्न हम लोग करेंगे डिस्कस। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC का अध्यक्ष कौन था। सही आंसर है ऑप्शन सी JB कृपलानी। अब एक बात और याद रखना कि आचार्य JB कृपलानी जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 55वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था मेरठ में। और कब हुआ था, ये 1946 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी, तो दूसरा क्वेश्चन है। और देखो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है ऑप्शन D यानी कि श्रावस्ती। तो बात करें अगर यहाँ पर जो मल्ल महाजनपद था, मल्ल, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी कुशीनारा। इसके बाद आता है वत्स, तो वत्स की जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी कौशाम्बी। और वज्ज जो संघ था, वज्ज गणतंत्र, उसकी राजधानी कहाँ पर थी, उसकी राजधानी थी वैशाली में। और श्रावस्ती जो था ये कोसल की राजधानी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधु वीर मिला है। इसका सही उत्तर यहाँ पर है ऑप्शन B यानी कि म्यांमार। तो भारत से म्यांमार देश को INS सिंधु वीर पनडुब्बी मिली थी। यह भारतीय नौसेना के बेड़े से 10 किलो वर्ग की पनडुब्बियों में से एक है। इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा नवीनीकृत किया गया था, इसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया था। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन B है। अगला क्वेश्चन होगा कि एक निश्चित कूट भाषा में CANDOUR को NACDRUDO लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में ABREST को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिखना है CAN, ठीक है, DOUR, और इसको क्या लिखा गया है, NAC, फिर लिखा गया है D, और फिर क्या लिखा गया है, RUO। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर इसी क्रम में लिखना हो ABREST को तो क्या लिखोगे। सबसे पहले एक जो क्रम बनेगा उसको देखो, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, N को यहाँ पर ले आया गया, C को इधर, और A को बीच में एज इट इज़, D को D, फिर वही क्रम O को ऐसे घुमा दिया गया, R को यहाँ पर, U को बिल्कुल ऐसे। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, E के नीचे E लिख दो, R यहाँ ले जाओ, A यहाँ ले जाओ, B को ऐसे कर दो, तो क्या बन जाएगा, R, फिर ये जगह B, ये A हो जाएगा, और यही क्रम यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर S, ये T और ये, तो RBAE, तो यहाँ पर क्या है, R से कौन सा शुरू हो रहा है यहाँ पर, RBAET से। ठीक है, तो ये क्रम बन रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, देखो प्रश्न बहुत आसान होंगे, सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर पाएगा उस समय। अगर परेशान रहोगे तो नहीं कर पाओगे, बिल्कुल फ्री होके करोगे तो आराम से कर ले जाओगे। स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे कि एक्सल और बाल बियरिंग बनाने में किया जाता है, तो यहाँ पर वो क्या है, यह क्वेश्चन यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर निकल स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील और स्टेनलेस स्टील का विकल्प दिया गया है। सही आंसर ऑप्शन B है, क्रोमियम स्टील। अगला क्वेश्चन देखो, 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा था। तो 2018-19 के अनुसार निर्यात में उत्तर प्रदेश का स्थान भारतीय राज्यों के अनुसार कौन सा था, तो देखो ये था ऑप्शन C यानी कि 5वां स्थान। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसको, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन C होगा, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, जहाँ के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत किया गया है, तो ऑप्शन C इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ कि यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपको चुनना होगा ऑप्शन B, माउंट एल्ब्रस। ठीक है, तो माउंट एल्ब्रस जो है ये यूरोपीय महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 5642 मीटर, ये याद रखना आप। और एल्ब्रुस पर्वत जो है ना,
यह एक सुप्त ज्वालामुखी है जो काकस क्षेत्र की काकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। काकस पर्वत श्रृंखला में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बीपीएल से संबंधित बुजुर्ग हैं उनके लिए योजना शुरू की गई थी, याद रखना इसको। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2017 में, ठीक है, याद रखना इसको भी। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वृद्धों को सहारा पहुँचाने में ये योजना काफ़ी मददगार होती है और इसे जो है केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से हुई थी। आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2017 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो याद रखना ये है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। और निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? गैर पारंपरिक, तो देखो जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब क्या है? ये सब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में आते हैं। पवन ऊर्जा जो है ये गैर पारंपरिक में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था? बताओ सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 2015 में। तो केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को शुरू किया गया था और इस योजना का संचालन 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 सही ऑप्शन होगा, क्या होगा बताओ। ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी, याद है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। और नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही करवाई थी, ठीक है, और कुमारगुप्त के शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी, नालंदा बौद्ध विहार और नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अधिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो अधिकार अभिवक्ता, ठीक है, अधिवक्ता नहीं, अभिवक्ता। तो सही आंसर क्या होगा बताओ। अभिषेक बच्चन, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, ऑप्शन डी याद रखना। ये बताओ कि कोविड 19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया था? फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया गया था किस एक्ट के अंतर्गत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 नहीं, महामारी अधिनियम 1897 ये भी नहीं था, ये था आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है? रोटी का डलिया बताओ, भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसून प्रदेश, सवाना घास भूमि या शीतोष घास भूमि? तो रोटी का डलिया के नाम से क्या जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, शीतोष घास भूमि जो होती है इसे रोटी का डलिया भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला प्रथम राज्य था? तो बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? ये भी ये बहुत ही आसान है। सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक राज्य है वो जानते हैं आप, छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रानीगंज, ठीक है। तो आपको ये बता दें कि जो रानीगंज है इसके बारे में अगर बात करें तो रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में आसनसोल और दुर्गापुर उपखंडों में स्थित है। यह कुल मिला के 443.50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था? नागार्जुन स्तूप बताओ, सही आंसर है ऑप्शन बी, याद रखना, मौर्य युग। और किस राजवंश ने
वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। तो देखो, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बताओ? ये था श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी तक शासनकाल रहा, और ये जो श्रीगुप्त थे यही गुप्त वंश के संस्थापक थे। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुण की प्रतिमा भी मिलती है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर कहाँ पर है? दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, जो कि कहाँ पर स्थित है? यह झांसी में स्थित है। कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सही जवाब आपको पता होगा, ऑप्शन सी। और देखो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया था? बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया था, अंगीकार किया था? तो इसका उत्तर आप लोग जरूर देना, ठीक है, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास या फिर लखनऊ। और रोज़ शाम को आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो आप ये क्विज़ लगाते रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, और बिल्कुल आप बिल्कुल जो है विश्वास रखो कि इस साल ये परीक्षा आप बहुत ही बेहतर अंकों से क्रैक करोगे, और फिर इस साल आपका एक शानदार करियर भी आपका इंतजार कर रहा है। तो हम शीघ्र मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। प्लीज़ इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।